जम्मू कश्मीर में गुपकार समझौते पर चल रही बैठक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ एकजुट हुए मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 14 महीने महबूबा मुफ्ती की रिहाई से घाटी में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुपकार पर यह पहली बड़ी बैठक है। दरअसल 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर पर जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक हुई थी। इसी बैठक में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए लड़ाई जारी रखने पर सहमति जताई गई थी, जिसके बाद सभी नेताओं ने गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एक बार फिर से जहां एक तरफ सारे नेता मिलके इसी ओर फैसला लेने में जुटे हुए हैं, दूसरी ओर लोगों में गुस्सा है और वो आप देख सकते हैं। मैं प्रदीप दत्ता के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप दत्ता जॉइनिंग अस लाइव। प्रदीप, लोग समझ चुके हैं कि ये जो नेता हैं ये अब देश के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं। प्रदेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए कितना गुस्सा और आक्रोश है लोगों में। लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे आज फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। उनका कहना यह है कि गुपकार डॉक्यूमेंट, बल्कि डॉक्यूमेंट नहीं, गुपकार कॉन्स्पिरेसी है और ये कॉन्स्पिरेसी भारत देश के खिलाफ है। हमने देखा कि ये लोग जब तक डिटेंशन में थे सब हालात बिल्कुल सामान्य थे और अब स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होती जा रही है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, व्हेन डस्ट इज अबाउट टू सेटल डाउन, और ये फिर से चाहते हैं कि वैसा ही गर्दोगुबार उठे और एक बार फिर से यहां पे हालात खराब हों। लोगों को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुपकार डॉक्यूमेंट गलत ना होगा, लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ इनको स्क्रिप्ट है, जो ये स्क्रिप्ट बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है दफा 370 हटने के बाद इनसे पावर चला गया। गुपकार, अगर आप एक आम कश्मीरी से बात करेंगे तो गुपकार रोड जो जहां पर ये सब लोग रहते हैं, तो गुपकार का एक इलाका है, ये सिंबल ऑफ वीवीआईपी कल्चर बताया जाता है। और जब आप ये गुपकार डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ये आम कश्मीरी की बात नहीं करते, जम्मू कश्मीर के रिहायशी की बात नहीं करते, बल्कि ये चाहते हैं किसी तरीके से वो जो वीवीआईपी कल्चर, जो इनके पास जो पावर था वो रिस्टोर हो जाए। तो बेसिकली ये सीरियस और सिंसियर लोग नहीं है। एक तो सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के लिए कोई इनकी भावना नहीं है, सिंसियर इसलिए नहीं, आज तक इन्होंने कश्मीरी के लिए कुछ नहीं किया। और वो कैसे पता चलता है, ये मैं नहीं कह रहा। आप देखिए जब महबूबा मुफ्ती 2 दिन पहले रिलीज होती है डिटेंशन से, तो आप देखिए हाल कोई भी नहीं उसे लेने के लिए आया था, सिर्फ मुट्ठी भर वो जो उसके अपने पार्टी के वर्कर थे जिन्हें चमचे भी कह सकते हैं, जो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आम आदमी, आम शहरी, आम कश्मीरी कोई नहीं आया, किसी ने उनके लिए एक आंसू भी नहीं बहाया। इतने हफ्ते, इतने महीने ये लोग अंदर रहे, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है लोग उससे खुश हैं, उनको एक रियलाइजेशन हुई पिछले कई दशक से ये उन्हें मूर्ख बनाते आए और एक बार फिर से उनको मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। इस बार कभी पाकिस्तान का नाम लेकर होता था और आज पाक अपोलोजिस्ट एकदम, जो कि कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, कुत्ते बिल्ली का बैर जिसे कहते हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को लड़ते हुए देखा है। और आज जब इनको लगा कि इनके हाथ से पावर खिसकता हुआ जा रहा है और देखिए किस तरीके से ये एकजुट हो गए हैं, और ये एकजुट अगर लोगों के लिए होते, उनकी डेवलपमेंट के लिए होते तो बात बनती, लेकिन ये एकजुट किस लिए हुए? भारत के खिलाफ मंसूबे बनाने के लिए ये एकजुट हुए हैं। लोग देखते हैं, जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक को मालूम है कि कितने ही सिंसियर है, क्योंकि सबने देखा है जब ये पावर में होते हैं इनके बयान अलग होते हैं, जब ये पावर के बाहर होते हैं तो इनके बयानबाजी बिल्कुल अलग होती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। मैंने कई बार इंटरव्यू किया है, जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी उनके बयानबाजी बिल्कुल डिफरेंट होती थी, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ बताती थी आगे। लेकिन